दोस्तों आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत ही भोले भाले और सीधे साधे होते हैं। उनके मन में कोई छक्का पंजा, कोई चोरी बेईमानी या किसी प्रकार का गलत स्वभाव नहीं होता है। अगर आप उनको मारते हैं पीटते हैं फिर वो दूसरे दिन फिर वही गलती करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है कि बच्चे अगर मर जाते हैं तो वो स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मत्ती 19:14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो का ही है। जिसको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है उसे अपने सारी बुराइयों को पहले छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों हम आज बहुत से ऐसे माताओं को देखते हैं जो अपने बच्चों को अपने गर्भ में ही मार देती हैं। बहुत बड़ा अपराध है ये। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको केवल बेटा ही चाहिए, बेटियां उनको प्यारी नहीं हैं। अगर उनको पता चल जाए कि उनके गर्भ में जो है, उनके पेट में बेटी पल रही है, तो उसको जो है एबॉर्शन करवा देते हैं, उनको बाहर निकलवा देते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर का जरा सा भी भय नहीं है कि परमेश्वर उनके साथ क्या करने वाला है। अब आप ही बताइए, जब बेटियां रहेंगी ही नहीं तो बेटे कहां से पैदा होंगे। तो हमें ऐसे कभी भी नहीं करना है। भूल कर भी कभी ऐसी गलती ना करिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आप उनके घर जाकर देखिए जिनके घर कोई औलाद नहीं है, जिनके घर बच्चे होते हैं ना, उनका घर जो है खिल उठता है। उनके परिवार में एक अजीब सी चहल पहल बनी होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी बच्चे को अच्छे बुरे का बोध नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। इसलिए अगर वो बचपन में ही मर जाता है, जैसे वो अगर 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसको हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसी दशा में अगर वो बच्चा मर जाता है तो उसके पापों की गिनती नहीं की जाती है। अगर कोई अविश्वासी है और उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है और बाई चांस छोटे पर ही उसका बच्चा मर गया है तो वो डेफिनेटली स्वर्ग ही जाएगा। लेकिन यदि उसके माता पिता ने अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो उस बच्चे से कभी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा स्वर्ग में है। और आपको तो पता ही है कि जिसके पाप क्षमा नहीं होते वो कभी स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले यीशु पर विश्वास करना जरूरी है। भजन संहिता 129:13 में दाऊद कहते हैं, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ। ऐसा यहाँ 44:1 जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इजराइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा। यह कहता है, हे मेरे चुने हुए यसूरून, मत डर। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने एक इंसान को इस दुनिया में आने से पहले ही उसके जीवन में क्या होगा, क्या करने वाला है, वो सब कुछ उसको पता होता है। उसने उस व्यक्ति को पहले से चुन लिया होता है। यिर्मयाह 1:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यानी परमेश्वर ने हमें गर्भ में रचने से पहले ही, मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और उसका नज़र हम पर हमेशा गड़ा होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, वो हमारे हर एक पल पल की खबर लेता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की दोस्तों।